नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कवर करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टीमों के बीच में जो सेकंड ओडीआई मैच खेला जाएगा। इस मैच को हम इस वीडियो में डेप्थ के साथ एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो रहेगा दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट, वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर से कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके लिए टेलीग्राम, और टेलीग्राम चैनल के दो इंपॉर्टेंट लिंक आपको मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ब्लू कलर के लिंक रहेंगे दोस्तों, सिंपली आप वहां पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल वो दोस्तों आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एवं हेल्पफुल रहेगा। जो भी हमारी फाइनल समोली की टीम रहेगी, मेगा कॉन्टेस्ट, जीएल टीम के कॉम्बिनेशन आएंगे, सब कुछ मिलेगा दोस्तों आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सिंपली आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकती हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैच डिटेल के बारे में। तो इस मैच का वेन्यू रहेगा डीआरवाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में। यह मुकाबला 19 मार्च 2023 को दोपहर के टाइम 1:30 पे स्टार्ट होगा। और इस के ऊपर अभी तक ओडीआई में 9 मैचेस खेले जा चुके, जिसमें से 3 मैच बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने, वही 5 मैच यहां पे चेज करने वाली टीम ने वोन की है, एक मुकाबला यहां पे टाई रहा है। वहीं बात की जाए दोस्तों लास्ट 3 ODI मैचेस की जो इस वेन्यू पर खेले गए, लास्ट ODI मुकाबला यहाँ पे 18 दिसंबर 2019 में खेला गया, जिसमें इंडिया की टीम ने बैट फर्स्ट करते हुए 387 रन करवाए। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम ये अलग से चेज नहीं कर पाई, और इंडिया की टीम ने यह मुकाबला है वो 107 रनों से वोन कर लिया। सेकेंड मुकाबला है वो दोस्तों इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज टीमों के बीच में 24 अक्टूबर 2018 में खेला गया, जिसमें इंडिया की टीम ने बैट फर्स्ट करते हुए 381 बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम ने भी 381 रन कराए, लेकिन यह मुकाबला सुपर ओवर में इंडिया की टीम ने इजीली वोन कर लिया। थर्ड लास्ट मुकाबला यहां पे 17 दिसंबर 2017 में खेला गया, जिसमें श्रीलंका की टीम ने बैट फर्स्ट करते हुए 215 करवाए। जवाब में इंडिया की टीम ने लेग से इजीली चेज कर लिया, और यह मुकाबला वो 8 विकेटों से वोन कर लिया। लास्ट के 3 मैच है इस वेन्यू के ऊपर इंडिया की टीम है वो वोन करके आ रही, और लास्ट के 3 मैचेस में 2 मैच है वो बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने, वहीं 1 मैच है वो यहां पे चेज करने वाली टीम ने वोन किया है। 3 मैचेस में फर्स्ट इनिंग में 21 विकेट निकाले, सेकंड इनिंग में दोस्तों 19 विकेट गिरे। फर्स्ट इनिंग में मोस्टली विकेट भी गिरते हैं, और ज्यादातर आपको रन भी करवाते हुए नजर आ जाएंगे बैट्समैन, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में अच्छे खासे रन बनाते हैं, साथ साथ दोस्तों अच्छे खासे विकेट भी लूज होते हैं। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो एक ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, और इस विकेट के ऊपर एक्स्ट्रा स्पोर्ट और पेसर गेंदबाजों को मिलती है। और स्कोर की बात की जाए तो 280 से 300 के राउंड आप अपना और स्कोर वो एक्सेप्ट करके चल सकती हो, इसी के अंडर आपको और स्कोर वो बनता हुआ नजर आ जाएगा। बाकी दोस्तों इस वेन्यू की एक्सपर्टों द्वारा प्रोवाइड जो भी फ्रेश पिच रिपोर्ट रहेगी वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल के 2 इंपॉर्टेंट लिंक आपको मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ब्लू कलर के लिंक रहेंगे दोस्तों, सिंपली आप वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकती हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। इंडिया की टीम है अपना पहला मुकाबला वो 5 विकेटों से वोन करके आ रही, और इस टीम की तरफ से ईशान किशन और शुभमन गिल दोनों आपको ओपन करवाते हुए नजर आ जाएंगे। ईशान किशन लास्ट मुकाबले में एक बार फिर से फ्लॉप नजर आए, केवल 3 रन की इनिंग खेली। ईशान किशन है वो दोस्तों मिस एंड हिट टाइप के प्लेयर है, रिसेंट जो 5 मैचेस में देखो तो 1 मैच में 210 रन की इनिंग खेल के दिए, बाकी ऑलमोस्ट 4 मुकाबले बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। ओपन करवाने के लिए आएंगे, कभी भी आपको एक बड़ी इनिंग लगा के दे सकते, तो ईशान किशन को आप जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में जरूर से कवर करके वीसी भी ट्राई करके चल सकते हो। शुभमन गिल लास्ट मुकाबले में 20 रन की इनिंग खेली, रिसेंट फॉर्म भी काफी लाजवाब चली है, ओपन करवाने के लिए आएंगे। एक इंपॉर्टेंट एवं ट्रंप कार्ड पिक आपके लिए, इस मैच में शुभमन गिल रहेंगे तो जरूर से कवर करके आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकती हो। विराट कोहली आपको नंबर 3 पे बैटिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे, लास्ट मुकाबले में विराट कोहली भी बुरी तरह से फ्लॉप रहे, केवल 4 रन की नहीं खेली की दी, लेकिन इंपॉर्टेंट पिक रहेगी दोस्तों, नंबर 3 पे बैटिंग करवा के देंगे तो कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकती हो। सूर्य कुमार यादव लास्ट मुकाबले में बैटिंग में अपना खाता नहीं खोल पाए, वहीं दोस्तों देखो तो सूर्य कुमार यादव है ओडीआई मैचेज में इतना अच्छा नहीं करवाते हैं, उस कंडीशन में सूर्य कुमार यादव को आप ओनली जीएल कवर करके चलो, स्मॉल लीग में आप ड्रॉप करने का काफी आसानी से ले सकती हो। लोकेश राहुल नंबर 5 पे बैटिंग करवाते हुए 75 रन की लाजवाब नवाद इनिंग खेल की दी, इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर दोस्तों ये नंबर 4 या नंबर 5 पे बैटिंग करवाने के लिए आते हैं लोकेश राहुल तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर फर्स्ट में बैटिंग करवाने के लिए आएंगे तो उस कंडीशन में लोकेश राहुल को आप ओनली जीएल ट्राई करके चल सकती हो। हार्दिक पांड्या लास्ट मुकाबले में 25 बनाए प्लस 5 ओवर की बॉलिंग डाली, 29 रन खर्च करते हुए 1 विकेट निकाल के दिया। हार्दिक पांड्या भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैटिंग बैकअप देंगे साथ साथ आपको बॉलिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे, तो कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके
चल सकते हो रविंदर जडेजा। लास्ट मुकाबले में 45 रन की नाबाद इनिंग के लिए 9 ओवर की बॉलिंग डाली, 46 रन खर्च करते हुए 2 विकेट निकाल के दिया। रविंदर जडेजा भी आपके लिए इस मैच में इंपॉर्टेंट रहेंगे, जरूर से कवर करके स्मॉलिंग में वीसी और जीएल के कॉम्बिनेशन में रविंदर जडेजा को आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। शार्दुल ठाकुर लास्ट मुकाबले में बैटिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन दोस्तों 2 ओवर की बॉलिंग डाली, 12 रन खर्च किए, विकेट नहीं मिला, बॉलिंग का इतना मौका नहीं मिलता है। अगर दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद सिराज हो गया, मोहम्मद शमी हो गया, अगर ज्यादा महंगे साबित हो जाते विकेट नहीं मिलते उस कंडीशन में शार्दुल ठाकुर आपको 7 से या फिर 8 ओवर की बॉलिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन शार्दुल ठाकुर इस मैच में रिस्की रहेंगे, ओनली जीएल ट्राई करके चल सकते हो। कुलदीप यादव ने 1 विकेट निकाला, 8 ओवर की बॉलिंग डाली, इंपॉर्टेंट रहेंगे, कवर करके चल सकते हो। मोहम्मद सिराज हो गया, मोहम्मद शमी, 2 मैन स्ट्राइकर बॉलर रहेंगे इंडिया की टीम की तरफ से, आपको कंप्लीट 10-10 ओवर की बॉलिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मैच में दोनों ही बॉलर ने 3-3 विकेट निकाल के दिए, इंपॉर्टेंट रहेंगे, जरूर से कवर करके चल सकते हो। बाकी दोस्तों मोहम्मद शमी को चाहो तो फर्स्ट, अगर इंडिया का टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है तो उस कंडीशन में मोहम्मद शमी को आप ओनली जीएल भी ट्राई करके चल सकते हो। बेंचेज में देखोगे तो सरेश सैयद आपको अवेलेबल मिलते हैं, तो कवर करके चल सकते हो। आपको नंबर 4 पे बैटिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे सूर्य कुमार की यादव की जगह पर। उमरान मलिक भी लास्ट मुकाबले में अवेलेबल नहीं थे, यूजी चहल भी अवेलेबल नहीं थे, लेकिन दोस्तों उमरान मलिक की जो रिसेंट फॉर्म है वो ओडीआई मैचेस में काफी लाजवाब रही है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में चाहो तो उमरान मलिक को आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकती हो। बाकी दोस्तों इंडिया की टीम की तरफ से अन्य कोई भी अपडेट मिलती है तो वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल के 2 इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो केवल 500 लाइक का टारगेट है, मोटिवेशन के लिए वीडियो को 1 लाइक जरूर से कर देना, और फाइनल टीम और फाइनल सजेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी ऑस्ट्रेलिया की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो इस टीम की तरफ से लास्ट मैच में ट्रैविस हेड है वो ओपन करवाने के लिए 5 रन की इनिंग खेली, रिसेंट फॉर्म देखो तो काफी लाजवाब चली है, इंपॉर्टेंट प्लिक पिक आपके लिए इस मैच में रहेंगे। मिस एंड हिट टाइप के प्लेयर है दोस्तों ट्रैविस हेड, इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्मॉलिंग में जरूर कवर करके चल सकते हो। मिचेल मार्श है ओपन करवाने के लिए 81 रन की लाजवाब इनिंग खेल की थी। अगर दोस्तों इस मैच में डेविड वार्नर अवेलेबल रहेंगे तो मिचेल मार्श है वो आपको नंबर 3 या नंबर 4 पे बैटिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे, जरूर से के स्मॉलिंग में वीसी और जीएल के कॉम्बिनेशन में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। स्टीवन स्मिथ है, लास्ट मुकाबले में ज्यादा कुछ नहीं करवा पाए, लेकिन दोस्तों एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करवा के देते हैं हर मैच में, काफी आराम से स्टार्टिंग में इनिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक बड़ी इनिंग लगा के देते हैं। स्टीवन स्मिथ इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्मॉलिंग में वीसी और जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। लबु सेन है लास्ट मुकाबले में 15 रन की इनिंग के लिए। अगर दोस्तों इस मैच में डेविड वार्नर अवेलेबल मिलेंगे तो आपको लबु सेन इस मुकाबले में अवेलेबल नहीं मिलेंगे, उस कंडीशन में लबु सेन पे प्लेस पे आपको मिचेल मार्श वो नंबर 4 या नंबर 3 पे बैटिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे। जोस इंग्लिश ने नंबर 5 पे 26 रन की इनिंग के लिए एक ओवरेज पिक रहेगी, स्मॉल और ग्रालिक दोनों में कवर करके चल सकती हूं। कैमरॉन ग्रीन लास्ट मुकाबले में 12 बनाए प्लस 6 ओवर की बॉलिंग डाली, 35 रन खर्च किए, विकेट नहीं मिला, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवा के देंगे प्लस आपको बॉलिंग करवा के देंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्मॉल और ग्रालिक दोनों में कवर करके चल सकती हूं। ग्लेन मैक्सवेल ओडीआई मैचेस में इतना अच्छा नहीं करवा के देते, थोड़ा सा बॉलिंग ऑर्डर भी कंफर्म नहीं रहेगा, फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं चली है, तो ग्लेन मैक्सवेल को आप ओनली जीएल ट्राई करके इतना। मार्कस स्टोइनिस ने लास्ट मुकाबले में 7 ओवर की बॉलिंग डाली, 27 रन खर्च करते हुए 2 विकेट निकाल के दिए, बैटिंग में फ्लॉप रहे हालांकि दोस्तों, लेकिन मिस एंड हार्ड हिट टाइप के प्लेयर है, कभी भी बड़ी इनिंग लगा के दे सकते हैं, साथ साथ आपको बॉलिंग भी करवा के देंगे, तो मार्कस स्टोइनिस स्मॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे, कवर करके चल सकती हूं। सिन अबॉट लास्ट मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप रहे, 9 ओवर की बॉलिंग डाली, 31 रन खर्च के विकेट नहीं मिला, लेकिन दोस्तों एक स्ट्राइकर बॉलर है और जो रिसेंट जो इन्होंने ओडीआई मैचेस खेले थे उनमें इनका रिकॉर्ड काफी लाजवाब रहा था, लास्ट के 3 मैचेस में 2-2 विकेट निकाल के आ रहे, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, सीन बोर्ड जरूर से कवर करके चल सकती हूं। मिचेल स्टार्क लास्ट मुकाबले में 9.5 ओवर की बॉलिंग डालती हुई 3 विकेट निकाल के दिए, इंपॉर्टेंट रहेंगे, कवर करके चल सकती हूं। एडन जंपा विकेट नहीं मिला, अगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करवाता है तो एडन जंपा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी सेकंड इनिंग में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। डेविड वार्नर इस मुकाबले में अवेलेबल रहने के काफी हाई चांसेस है, ओपन करवा के देंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, फर्स्ट इनिंग में कवर करके इतना, सेकंड इनिंग में आप ओनली जीएल भी ट्राई करके चल सकते हो। बाकी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से भी कोई भी अपडेट मिलेगी तो वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल के 2 इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये तो हो गया दोस्तों दोनों टीमों का स्टेट वाइज एनालिसिस, अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस और कुछ अपने कैप्टन वाइस कैप्टन के रोटेशन के बारे में।
सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों विकेट सेक्शन में। लोकेश राहुल है नंबर 4 या नंबर 5 पे आपको बैटिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मुकाबले में 75 रन की काफी लाजवाब नबादी इनिंग खेल की दी। अगर नंबर 4 या नंबर 5 पे बैटिंग करवाने के लिए आएंगे तो इंपॉर्टेंट आएंगे, अगर ओपन करवाने के लिए आते हैं तो उस कंडीशन में लोकेश राहुल को आप ओनली जीएल ट्राई करके चल सकते हो। ईशान किशन है मिस एंड हिट टाइप के प्लेयर है, कभी भी आपको एक बड़ी इनिंग लगा के दे सकते हो, तो जीएल के कॉम्बिनेशन में जरूर से कवर करके चलना। जोस इंग्लिस भी आपको नंबर 5 पे बैटिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मुकाबले में तो देखो तो 26 रन की इनिंग खेल की थी। एक और स्पिक रहेगी जोस इंग्लिश, स्मॉलिक और ग्रालिक दोनों में आप अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो। बैटिंग ऑर्डर में बात की जाए रोहित शर्मा आपको इस मैच में अवेलेबल नहीं मिलेंगे। डेविड वार्नर लास्ट मुकाबले में दोस्तों अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इस मैच में आपको डेफिनेटली अवेलेबल मिलेंगे और ओपन में बैटिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, जरूर से कवर करके चल सकते हो। विराट कोहली भी लास्ट मुकाबले में ज्यादा कुछ नहीं करवा पाए, केवल 4 रन की इनिंग खेल की थी, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन भी जरूर से ट्राई करके चल सकते हो। अगर डेविड वार्नर इस मैच में अवेलेबल नहीं मिलते हैं तो उस कंडीशन में स्टीवन स्मिथ को आप अपनी टीम में सीधा सीधा कवर करके चल सकते हो। शुभमन गिल भी लास्ट मुकाबले में ओपन करवाने के लिए 20 रन की इनिंग खेल के दी, इंपॉर्टेंट रहेंगे, एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो। ट्रैविस सैड लास्ट मुकाबले में ओपन करवाने के लिए, लेकिन दोस्तों इस मैच में भी आपको ओपन करवाते हुए नजर आ रहे हैं, मिस एंड हिट टाइप के प्लेयर है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको करवा के दे सकते हैं, तो ट्रैविस सैड को जीएल के कॉम्बिनेशन में आप जरूर से कवर करके चल सकते हो। बाकी फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है तो स्मॉलिंग में भी इस मैच में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मिचेल मार्श लास्ट मुकाबले में 81 रन की लाजवाब इनिंग खेल की दी, अगर इस मैच में डेविड वार्नर अवेलेबल रहते तो मिचेल मार्श आपको नंबर 4 पे बैटिंग करवाते हुए नजर आ देंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकती हूँ। सूर्य कुमार यादव ओडीआई मैचेस में इतना अच्छा नहीं करवाते हैं, उस कंडीशन में आप ओनली जीएल भी ट्राई करके चल सकती हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में बात की जाए हार्दिक पांड्या हो गया, रविंद्र जडेजा हो गया, साथ साथ मार्कस स्टोइनिस, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तीनों ही प्लेयर आपको बॉलिंग करवा के देंगे, साथ साथ आपको बैटिंग बैकअप देंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी इन तीनों प्लेयरों में से आप समोलिक में किसी भी प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकती हूँ। ग्लेन मैक्सवेल है, फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चली और ये मैचेज में इतना अच्छा नहीं करवाते तो ओनली आप जीएल भी ट्राई करके चल सकती हूँ। बाकी दोस्तों एक ट्रंप कार्ड पिक आपके लिए यहां पर रहेगी, कैमरोन ग्रीन को आप जरूर से कवर करके चल सकती हूँ। ये आपको साथ बैटिंग बैकअप के साथ साथ 6 से 7 ओवर की बोलिंग है वो कंफर्म करवाती हुई नजर आ देंगे और कभी भी विकेट निकाल के दे सकते हो, तो एज ए जीएल में ट्रंप कार्ड पिक ट्राई करके चल सकते हो। बोलिंग सेक्शन में बात की जाए एडन जप्पा, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करवाते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी सेकंड इनिंग में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। मार्कस मिचेल मार्श हो गया, साथ साथ दोस्तों मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और तीनों ने लास्ट मैच में 3-3 विकेट निकाल के दिए। बाकी दोस्तों इस मैच में अगर इंडिया का टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है तो उस कंडीशन में मोहम्मद शमी को आप ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप करके अपनी टीम में सैन अबोट को कवर करके चल सकते हो। कुलदीप यादव हो गया, शार्दुल ठाकुर, इतना ज्यादा बॉलिंग का मौका नहीं मिलेगा, बाकी कुलदीप यादव आपको कंफर्म बॉलिंग करवा के दे सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में कवर करके चले, बाकी सेकंड इनिंग में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अगर उमरान मलिक इस मैच में अवेलेबल रहेंगे तो एक ट्रंप कार्ड पिक आपके लिए दोस्तों रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। नाथन इल्स आपके लिए इस मैच में जीएल में एक ट्रंप कार्ड पिक बन सकती है, अगर इस मैच में अवेलेबल रहते हैं तो उस कंडीशन में नाथन इल्स को आप जीएल के कॉम्बिनेशन में वीसी ट्राई करके भी चल सकते हो, या आपको कंफर्म 10 ओवर की बॉलिंग करवाती हुई नजर आ जाएंगी। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सिंपली आप वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो फाइनल टीम फाइनल सजेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो फिलहाल के लिए दोस्तों देखो तो शुभमन गिल को अपनी टीम में कैप्टन ट्राई करके चलाऊं, वाइस कैप्टन है वो मिचेल स्टार को ट्राई करके चलाऊं, समी हो गया, यहां पे सिराज हो गया, दोनों वीसी के बढ़िया चॉइस रहेगी, समोलिक में ट्राई करके चल सकते हो, जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में देखोगे दोस्तों। बाकी समोलिक में आप चाहो तो विराट कोहली को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। बाकी यहां पे जडेजा हो गया, स्टोइनिस हो गया, साथ साथ यहां पर दोस्तों देखोगे हार्दिक पांड्या, ये भी आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बढ़िया चॉइस रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर से ट्राई करके चल लेना। टीम प्रीव्यू की बात की जाए तो दोस्तों देखोगे तो हमारी फाइनल टीम नहीं है, एक ओनली डेमो टीम है, जो भी फाइनल टीम रहेगी आफ्टर टॉस व लाइनअप के बाद आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल के दो इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, सिंपली आप वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकती हूं। अगर दोस्तों आपको हमारा स्ट्रेट एनालिसिस भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।